गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रजनीगंधा रजनीगंधा गार्डन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ एडेनियम में सीड कैसे आप बना सकते हैं, एडेनियम के प्लांट में सीड कैसे निकाल सकते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया की जाती है दोस्तों। मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरह से आपको, इस तरह से आप एक ब्रश ले लें, पेंट का कोई भी ब्रश ले लें। अगर ब्रश ना आपके पास हो तो आप कोई भी पतली सी डंडी में रुई लगा ले और इसे इस तरह से, ये जो फूल है एडेनियम के दोस्तों, ये ताज़े फूल हैं, ये सब ताज़े फूल हैं, बासी फूल में नहीं होंगे। ये देखिए पेंट का, ये इस तरह से आप इसमें ऐसे 15 बार 16 बार ऐसे करके घुमाएं, इस तरह से घुमाएं, इसमें अंदर से पराग रहते हैं, इस तरह से आप घुमाएं 15-16 बार, ऐसे से 15-16 बार घुमाएं, इस तरह से और फिर इस फूल में घुमाएं 15-16 बार, इस तरह से घुमाएं, फिर इस फूल में घुमाएं। फूल टूटना नहीं चाहिए। देखिए मेरा फूल कल थोड़ा बहुत अंधड़ आया था और गर्मी के कारण फूल थोड़ा सा मुरझा गए थे, कल ही खिले थे दोस्तों। ये ताज़े फूल हैं तो देखिए इस तरह से कर ले, इससे निषेचन की क्रिया होगी। और जब ये 5-7 दिन में ये फूल जब सूख जाएंगे तो आप इस तरह से ये इसे टेप की सहायता से, मेरे पास सेलो टेप नहीं थे तो मैं ब्लैक टेप से इस तरह से यहाँ पर पकड़े आप इस तरह से, और सेलो टेप से इस तरह से आप इसे पैक कर दें, इस तरह से पैक कर दें, इस तरह से, इस तरह से पैक कर दें फूल को। इस तरह से मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इस तरह से आप पैक कर दें फूल को, तो 5-6 दिन में ये फूल सूख जाएंगे। और इसे सिंह की तरह, गाय की सिंह कैसी होती है उस तरह से लंबे लंबे जैसे सीड पॉट निकलेंगे। सब में नहीं बनेंगे दोस्तों, किसी किसी में बनेंगे सीड पॉट, और उसमें एक ही सीड पॉट बनेंगे तो उसमें 100 से 150 उसमें निकल जाएंगे सीड। तो इस तरह से आप निषेचन की क्रिया एडेनियम के पौधे में करेंगे। ऐसे तो इसे कटिंग के द्वारा भी लगाया जाता है, लेकिन बीज के द्वारा मैं आपको बताई इस तरह से आप ये कर दें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।